big. Wow. वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़े ज़बरदस्त से चिकन मलाई पॉकेट्स बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखिए हमारे पास 1 पाउंड यानी आधा किलो के आसपास चिकन ब्रेस्ट है। आप थाई भी ले सकते हैं, जो भी लेना ले लें। तो देखिए छोटे छोटे पीसेस किए, बिल्कुल छोटे छोटे। तो अब इसको हम झटपट मैरिनेट करेंगे। अब मैरिनेट इस तरह से करेंगे कि इसमें सबसे पहले हम डालेंगे 2 टेबलस्पून दही। अब इसमें हम डालेंगे 3G पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टीस्पून हरी मिर्च है, और हमारी तेज है तो ये एक हरी मिर्च है, तो इसको डाल देंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, और हमारे पास यहाँ कुछ स्पाइसेस है जो कि कुछ यूं है कि 1 टीस्पून चिकन पाउडर यानी नोर या मैगी की आधी चिकन क्यूब, 1 टीस्पून सूखी मेथी जिसको मैंने हाथों से पीस लिया है, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो ये चला जाएगा इसमें। अगर आपके पास वाइट पेपर पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं। अब साथ ही इसमें हम डाल देंगे क्रीम। तो मेरी ये टेबल क्रीम है जो नेस्ले की होती है ना, आपके पास अगर मलाई हो तो 3 टेबलस्पून ले लें, वो जो गाढ़ी गाढ़ी मलाई होती है ना, तो लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी, तो वो डाल देंगे इसमें। लेवल 3 टेबलस्पून है। साथ ही इसमें अब हम डाल देंगे नींबू अराउंड 1 टेबलस्पून के आसपास। और अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। तो ये अच्छे से मिल गया। अब अगर आप चाहें तो अगले दिन ये मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं, 1-2 घंटा रख भी सकते हैं, और अगर चाहें तो अभी ही बना लें जैसे कि मैं बना लूँगी। तो यहाँ देखें हमारे पास एक पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देंगे। फ्लेम हमने रखी है मीडियम हाई। इसमें अब हम डालेंगे अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास तेल, और उसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। तो देखिए तेल हमारा गरम हो गया है, तो अब इसमें हम अपनी चिकन डाल देते हैं। फैला लेंगे और अब इसे कवर कर देंगे, और फ्लेम हम कर देते हैं मीडियम लो। तो इसे अब हम 12 मिनट के लिए पकाएंगे अराउंड, ताकि इसके सारे जूसेस रिलीज हो जाए और उसी में ये बड़े अच्छे से कुक हो जाए, जब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ देखें हमारे पास ब्रेड की स्लाइसेस है, 10 है, तो सबसे पहले ये लेंगे और इसके साइड्स निकाल लेंगे। तो ये हम एक साथ 2 स्लाइसेस उठाएंगे और इसको बेलेंगे। और अब इसको कोई भी ग्लास, कोई भी बर्तन, कोई भी आपके पास कटर हो तो ये मेरा जो ये कटर है ये लेंगे। जितना भी आपके पास डबल रोटी की स्लाइस को काटने के लिए सर्कल जितना बड़ा हो वो ले लें। तो ये अब इसको इस तरह से काट देंगे। और इस तरह से सारे बना लेंगे। तो ये हमारा लास्ट भी हो गया। यहाँ देखिए हमारे पास अंडे हैं और ब्रेड क्रम्स हैं। अंडे को फेंटेंगे
तो अंडे को फेंट लेते हैं। ये देखें अच्छे से फिट गए हमारे अंडे। और अब ये जो हमने बनाए हुए हैं इसको डिप करेंगे अंडे में और फिर ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। ये मैंने अराउंड 1.5 कप ब्रेड क्रम्स लिए, तो इसमें डाल देंगे और अच्छे से कोट कर लेंगे। और ये रखते जाएंगे इस तरह। यहाँ देखें हमारे पास ऑयल है, उसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं और फ्लेम रख देते हैं मीडियम। अब हम अपनी चिकन देख लेते हैं कि क्या हाल है। एक दफ़ा इसको हिला लेते हैं, देखिए कितनी खुश खुश है। अब हम इसको अनकवरी पकाएंगे। हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है, हीट आ रही है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, तो बस हमें ऐसा ही चाहिए। तो जो हमने बनाई थी उसको हम डाल देते हैं। तो देखें एजेस जो है वो ब्राउन हो गए हैं, तो इसको पलट लेते हैं और ये देखें फूलना शुरू हो गई है। चूल्हा इस वक्त है हमारा मीडियम लो और यहाँ देखें हमारे पास एक कोयला है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। और ये देखें हमारे बड़े अच्छे से गपूटे से हो गए, तो इसको हम निकाल लेते हैं। ये भी डाल देते हैं। अब हमारे पास ये अंडा भी रखा हुआ है, ब्रेड क्रम्स भी रखा हुआ है, जब दिल चाहा ये चिकन भी इतनी ढेर सारी और बनाएंगे और खाएंगे, मज़े करेंगे। देखिए चिकन बहुत अच्छी सी हो गई है। अब इसके सेंटर में जगह करेंगे और यहाँ एक फॉइल की प्याली रखेंगे और इसको पहले निकाल लेते हैं। चूल्हे को करेंगे बंद। और इस पर रखेंगे चारकोल, कुछ बूंदे तेल की डालेंगे और इसको कवर कर देंगे और चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देते हैं फॉर 30-40 सेकेंड। चले चूल्हे को करते हैं बंद, आपको खुशबू देते हैं ये। और इसको कोयले को निकाल लेते हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। शानदार खुशबू आ रही है, ख़तरनाक सी। तो झटपट रैप अप करती हूँ और आपसे 2 मिनट में मिलती हूँ। तो असेंबली लाइन रेडी है। यहाँ देखें हमारी मलाई बोटी, यहाँ थिक सा एक रायता हमने रखा है, साथ सैलड है और ये हमारे रेडी है। तो अब एक उठाएंगे और इसको हम काटेंगे। ये देखिए कैसा लग रहा है अंदर से, नाइस। तो अब इसमें थिक सा थोड़ा सा रायता डालेंगे और अब थोड़ा सा ये सलाद के पत्ते या फिर आप रख सकते हैं गोभी कटी हुई, तो कुछ स्लाइसेस टमाटोज की रखेंगे, तो इससे क्या कलर एंड टेक्सचर आएगा। और अब मलाई बोटी डालेंगे इसमें इस तरह से। तो देखिए रेडी हो गया। तब ये इस तरह यहाँ रखते जाएंगे और उसके बाद सजाएंगे। फिर मैं आपको लास्ट में एक बताऊंगी जोई की पसंद का, थोड़ा सा हट के। इसमें एक पार्ट जो आएगा आपका थोड़ा थिक होगा और एक थोड़ा सा थिन होगा, थिक वाले पे थिक सरायता लगाएंगे। तो ये इस तरह से हम खड़ा खड़ा रखेंगे
और अब हम जोई का बनाएंगे। तो ये आना कभी खाती है कभी नहीं खाती है, लेकिन डेफिनेटली बेनिफिट ऑफ डाउट तो देना चाहिए। अब आ जाएगा मेयो, इंस्टेड ऑफ मलाई चिकन आ जाएगी श्रेडेड चिकन, जो सिर्फ नमक डाल के और अदरक लहसुन डाल के उबली हुई है। इंस्टेड ऑफ सैलेड अब आ जाएगी चीज़। तो ये सेम इसी तरह लगाएंगे। और ये चीज, तो चले ये मैं बच्चों को देकर आ रही हूं, वो वेट कर रहे हैं, फिर मैं इसका एंड करती हूँ। एक मिनट में आ रही हूं। देख आना तो था ना, आना तो भी टाइगर ने। अरे 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 अटैक अटैक टाइगर। अब बता कैसा लग रहा है? खतरनाक। इसको तो बहुत पसंद है ही, आना का नहीं पता। अब देखते आना क्या बोलती है। इसका दिल चाहता है कभी कभी कि मुझे क्यों नहीं अच्छा लगता, आप ही को अच्छा लगता है तो मैं भी खाऊंगी। देखा देखा क्रिस्पी वाला पार्ट खा रही है, ये वाला छोड़ के। चलो यहाँ रखा हुआ है, दानी फिनिश करके आ रही है। तो देखा कैसे झटपट हमारे मलाई टिक्का बोटी पॉकेट्स बन गए, मानते हैं? और अब मैं ट्राई करके बताती हूँ कि लग कैसे रहे। सुपर क्रंची पॉकेट्स आउटसाइड, अंदर से सॉफ्ट और दबंग मलाई बोटी और रायता। रायता क्या, बस हाथ से दही फेंट लें, थोड़ी सी लाल मिर्च काली मिर्च और ये लहसुन डाल दें, कुटी मिर्च डाल दें, और बस पानी वगैरह नहीं डालें, हाथ से ही करें ताकि वो थिक रहे, सॉफ्ट ना हो जाए। ये आप लोग के लिए। माइंड ब्लोइंग, इस कदर सेटिस्फाइंग है और मज़ेदार है, ख़तरनाक है। मलाई बोटी की वो जो कोयले की खुशबू भी बड़ी बारबेक्यू जैसे असर किया हुआ है, ऐसे लग रही है। ऊपर का क्रस्ट पॉकेट का ख़तरनाक है। सिर्फ मुझे आपको एक दो टिप देनी है, वो ये कि जैसे मैंने दो अंडे फेंटे, रखे रह गए, लेकिन हमें ज़्यादा फेंटना है क्योंकि एजेस को अच्छे से सील्ड करना है और ब्रेड क्रम्स को भी ऊपर लगना है, तभी वो सील्ड होगा पूरा। अगर आपने थोड़ा सा अंडा डाल दिया, थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स डाल दिया, तो वो साइड से जो गोला फूला है वो फूलेगा नहीं, फिर फ्लैट हो जाएगा या फट भी सकता है। तो दो अंडे लेने का मकसद ही ये है कि अच्छे से डिप करना है, अच्छे से कोट करना है, अच्छे से फ्राई कर देना है, और मीडियम लो पे करें, बड़े अच्छे से क्रिस्पी हो जब तक, मज़ा आ जाएगा। बाकी देखा आपने कितना ईजी है, बच्चे और बड़े दोनों के लिए। इफ्तार में भी बहुत मज़ा आ जाएगा, और ये जो मेरी बोटी भी काफ़ी बची हुई है, हर चीज़ बची हुई है, मैं भी और बनाऊंगी खाऊंगी तो अराउंड 3-4 और भी बन जाएंगे। तो चले जल्दी जल्दी जाएं बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।